करिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भांग के ऊपर बताऊंगा, जो कि सड़कों किनारे आपने देखा होगा बहुत ही मात्रा मिल जाते हैं और ये कई तरह के होते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि ये वैरायटी दिख रही होगी आपको, ठीक है। एक ही हो गया, दूसरा एक फूल वाला होता है, उसमें बता दूँ पहाड़ी भांग अलग होता है, जो पहाड़ में होता है ना वो अलग होता है, उसमें बीज बड़े मोटे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मल सब जगह पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, विशेष क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक ये फूल वाला है, यानी कि नर बोलेंगे इसे, जिसमें बीज बनना मादा बाकी नर। तो इसके बारे में आपको मैं भी डिटेल में बताऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर मेरे लगे हुए हैं। तो मैं भी मार्केट जा रहा था, तो मैंने कहा आप लोग वीडियो बता दो, मैं भांग का प्रयोग बताऊंगा आपको, एक प्रयोग बताते हुए चलूंगा जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो मैं पहचान आपको बता रहा था कि ये फूल वाले होते हैं नर और ये हुए मादा, जिसमें बीज बनते हैं। और ये प्रतिबंधित पौधा है, आपको पहले बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी नहीं देती कि आप यूज करें या घर में रखें, या इसका चरस गांजा वगैरह चरस जो होता है इसी से बनता निकलता है। तो मैं औषधीय पर्पज़ से यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी भी मतलब नशे के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसका प्रयोग हम सिर्फ औषधीय प्रयोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि औषधीय प्रयोग में बहुत सारे पौधे काम आते हैं, तो ये सबसे बढ़िया पौधा है जिसका हम प्रयोग करेंगे। आप इसकी पहचान कर सकते हैं, देखिए थोड़ा घना होगा ये, मतलब इसमें पत्तियाँ ज़्यादा होंगी यहाँ पे, और पेड़ के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए इसमें पत्तियाँ कम है इन जो पेड़ों में, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा दिखेंगे अच्छी तरीके से। तो इसका प्रयोग क्या करना है, देखिए मैं आपको इसका प्रयोग बता रहा हूँ कि हम लोगों का अचानक चोट लग जाती है, उससे पहले बताऊँ कि इसको आप पत्तियों को तोड़ लीजिएगा, इस तरीके से आप तोड़ करके इसको सुखा करके 100-200 ग्राम घर में रख लीजिएगा, हमेशा पॉलीथीन में पैक करके या एयरटाइट डिब्बे में बंद करके सुखाने के बाद इसके पत्तियों को रख लीजिएगा। इसका प्रयोग क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कभी भी हम अचानक पैर फिसल गया, यानी कि मोच या चोट आ गई, तो उस समय ये रामबाण है, दर्द को ख़त्म कर देता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या सवेरे होने का इंतज़ार करते हैं, चलो गिरे कमर दर्द तो हो रहा है या पैर में चोट तो लगी, कोई बात नहीं सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन जब चोट होती है ना गर्मा गर्म, तभी अगर उसका ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है, वो आगे से फिर हमें नुकसानदेह नहीं होती, या तो फिर क्या होता है खून जम जाता है, जिसको नील लोग बोलते हैं कि नीला पड़ जाता है, काला नीला हो जाता है जहाँ पे चोट लगती है, अचानक गुम चोट लगती है। तो उस चीज़ को कैसे रोकना है, उस खून को हमें कैसे फाड़ना है, मतलब खून को जमने नहीं देना है, तो क्या करना है उसमें, देखिए एक ये जो भांग होता है दर्द नाशक होता है, यानी दर्द को पीड़ा को हरता है, दर्द नाशक होता है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे इस पर कोई मेडिकल साइंस काम नहीं करती, नहीं तो अमेरिका में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे मेडिकली परमिशन लेकर के कोर्ट से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो वो लोग इसका यूज करते हैं, बट हमारे यहाँ इन चीज़ों पर कोई वो ध्यान नहीं देती, गवर्नमेंट सरकार कभी नहीं देती है, सिर्फ एलोपैथ खिलाती रहती है, उनका भी काम है। तो इसका प्रयोग मैंने बताया क्या करना, हमें इसमें कुछ चीज़ें लेनी होती है, सिर्फ भांग से ही नहीं होगा, जैसे ही आपको चोट लगी तो आपके रसोई में, जिसे रसोई गर्म बोलते हैं, औषधि का भंडार हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है औषधि का भंडार, और कभी हमने मसाले शब्द का किसी आयुर्वेद में प्रयोग नहीं देखा, ना ही शब्द देखा, वो हमारे मुगलों के टाइम में है, उससे पहले औषधियाँ बोली जाती थी, रसोई में जितने भी पदार्थ थे सबको औषधि बोला जाता था। तो उस औषधि में एक आता है सरसों का तेल, अगर सरसों का तेल नहीं तो तिल का तेल, तिल का तेल नहीं तो मूँगफली का तेल, कुछ तो होगा ना, जो आपके क्षेत्र में तेल निकलता है वो तेल तो होगा। तो उस तेल में आपने एक चम्मच डालना है हल्दी, किसी हुई हल्दी, और एक चम्मच डालना है इसका पाउडर, बीज निकाल दीजिएगा, इसको बारीक बना लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि उस जगह से खून भी आ गया, जैसे कोई फिसल गया तो रगड़ जाता है, जैसे इंटू गिरता है ना, तो लाल लाल सा खून भी आ जाता है और चोट भी लग गई अंदर, गुम चोट भी है, खून भी आ गया, तो उस दौरान तो हल्दी और भांगकर को आप पकाएंगे उस तेल में, कम से कम 2-3 मिनट पका दीजिएगा, 2-3 उबाल आ जाए, वो मतलब उबाल क्या बोले, मतलब पक जाए तेल में अच्छी तरीके से हल्दी, उसके बाद उसे सहने लायक धीरे धीरे लगाते हैं, फिर उतारते हैं, गर्म करते हैं, लगाते हैं, 2-3 बार उस जगह की सिकाई कर दीजिएगा। तो हल्दी आपको पता ही है कि जीवाणु कीटाणु रोधी होता है, तो वो जख्म को पकने को नहीं देगा, वहीं से ही करेगा, और साथ ही जो भांग है दर्द नहीं होने देगा। और अगर खून नहीं निकला है, सपोज करिए कि उस जगह सिर्फ घूम चोट आई है, खून नहीं निकला है, तो बहुत बढ़िया है भी और नहीं भी, क्योंकि खून निकलना भी बोलते हैं कि सही है, चलो खून निकल गया, खून जमा तो नहीं, क्योंकि जमाव खतरनाक होता है। तो उस दौरान उस खून को फाड़ने के लिए, या फाड़ने से मतलब मेरा है कि उस खून को फैलाने के लिए ब्लड में, कि भाई इकट्ठा ना, क्लोटिंग ना हो,
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूना यूज करते हैं। चूना जो हम घरों में तंबाकू में खाते हैं या पान वाले खाते हैं या सुरती के साथ, मान लो खैनी के साथ जो तंबाकू में चूना लिया जाता है, उस चूने की बात कर रहा हूँ, भीगा हुआ बुझा हुआ चूना, उस चूने की मात्रा भी कुछ डाल दें। अब इन तीनों की मात्रा कितनी डालनी है, देखिए ये आपके जख्म और चोट के क्षेत्रफल के हिसाब से करता है कि आपको ज़्यादा लगी है कम लगी है, उस हिसाब से बना लेंगे और आप यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें आपने लेना है चूना, सबसे पहले आप हल्दी लेंगे, फिर भांग के पत्ते डालेंगे, फिर चूना डालेंगे और तीनों को पका करके लगाइए। यकीन मानिए, अगर आपके सिर में भी गुम चोट लगी है ना, आप गिर गए, सिर के बल या सिर टकरा गया है, तो सुबह तक डॉक्टर का इंतजार करनी जोती है, वहाँ पे बिल्कुल सही कर देगा, अंदर से उसकी स्वेलिंग भी ख़त्म करेगा और नसों को सही करेगा, मांसपेशियों को वहाँ डैमेज नहीं होने देगा और जो हो गई हैं, जो खून जम गया उसको अलग कर देता है, फाड़ देता है, शरीर में फैला देता है। ये हमारा आज का कोई नुकसान नहीं है, ये प्राचीन टाइम से हमारे दादी जी के टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं। गाँव में चोट लगता था, लोग हल्दी तेल चूना ही लगा के यूज करते थे, भांग ढूंढ लेते थे फटाफट, हर घर में थोड़ा बहुत मिल जाता है, और मैंने भी कल पैकेट बना के रख दिया। तो इस तरीके से आप रखिएगा, तो इसका प्रयोग करिएगा, और आपको मैंने इस पर एक वीडियो भी डाल रखी है बहुत पहले, कैसे पकाना है चूल्हे में, मैंने पका के भी दिखाया है तीनों का, हल्दी चूना और भांग का, तो चोट मोच का इलाज के नाम से डाला है, तो आप अपना कर सकते हैं और उसको घर में रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे मार देते हैं, ठंडा स्प्रे जिसमें जेल होता है या मेंथा ऑयल होता है, आपको बता दूँ, जो हमारे उस त्वचा की सेंस को ख़त्म कर देता है। तो हम सोचते हैं कि ठीक हो गया जख्म या हमारा गुम चोट है, तो उसमें जेल हमने स्प्रे करा तो दर्द नहीं होता है, जबकि वो एक्चुअली दर्दनाशक नहीं होते हैं, वो ख़त्म करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे सेंस को मारते हैं ना कि जख्म को ठीक करते हैं त्वचा को। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसका प्रयोग करिएगा, और जैसा भी होगा दूसरों को बताते रहिएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रखा हूँ, आप सेंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का धन्यवाद, नमस्कार।